गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी वो वीडियो ड्रॉप हो गया था कॉल आने की वजह से। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा समझेंगे। इसमें कहा है कि सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ दिया है 8 × 9 × 2 × 6 × 3, 12 × 2 × 3 × 5। इसको सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका है, जो नंबर्स जितनी बार दिए उनको लिख लीजिए। 8 × 9 × 2 था तो 2 times लिखा, 6 × 3 है तो 3 बार लिखा उसको, और 12 × 2 है 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 × 5 है 3 times लिख लेंगे। अब कैंसिल करेंगे, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। फिर इस 3 को कैंसिल करेंगे, 3 × 3 और 3 × 3। अब हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज़ बचती हैं वो है 8 × 9 × 2 = 2, 3 times, और नीचे है 12 × 12। फिर कैंसिल करेंगे इसको, 2 × 2 = 12, 2 × 3 = 6। फिर यहाँ पर 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, ठीक है। अब आई आपकी वैल्यू 8 × 3, कैंसिल करेंगे 3 × 3 = 6, और 2 × 8 को करेंगे, 2 × 4 = 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। सेम एज बी पार्ट है, 25 × 25 × x^9, 10³ × 3 × x^5 है। इनको भी मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ ये बेस सेम है तो डायरेक्ट आप ये डिवाइड में है x^5, तो इसको ऊपर ले गए माइनस हो जाएगी पावर, बाकी नंबर्स को लिखकर कैंसिल करेंगे। तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, फिर दोबारा से 5 × 2 = 10, 5 × 5, फिर 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। ऊपर आई वैल्यू 5 × x^4, और नीचे क्या है, 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 5 × x^4/8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट है इसका, 7 × 0 × 12 × 0 × 8 × 0। मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर 1, फिर दोबारा से 1, 75 × 0 है तो 1 हो गया, प्लस ये भी 1 + 1। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 × 1 × 1 = 1 आ जाएगा, और यहाँ पर है 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो आपका आंसर आएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ, ये दिया 1/6 + 2/3 × 2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 6 × 6 = 1, 2 × 1 = 3, 2 × 6 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5.6 × 2 हो गया। दो बार लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम बी पार्ट है, 1/2 − 1/4, इसको एलसीएम लेके माइनस किया है, 2 × 2 = 4, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 1 = 4, 1 आएगा डिविजन में, 1 × 1 = 1 आ गया। माइनस करिए, 2 − 1 = 1/4 × 3, क्योंकि यहाँ पर 8 × 2 है, इसको 2 times लिख लिया मल्टीप्लाई में, ये आया 1/4 × 3, 3 times लिखेंगे इसको, 18 × 8 लिख लिया, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, कैंसिल करिए, 8 × 1 = 8, 8 × 64, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, तो आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट दिया है, 5.7 × 3 × 25 × 5, 25 × 2 है, इसको भी जितनी बार लिखा हुआ है पावर्स में उतनी बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कैंसिल कर देंगे, 5 × 5, 5 × 25, फिर दोबारा से कैंसिल करेगा, 5 × 5, 5 × 5। अभी यहाँ पर रह गई वैल्यू आपकी 5, 3 × 3, 7, ये वाला मल्टीप्लाई में 25, कैंसिल करिए दोबारा से, 5 × 5, 5 × 25, 3 × 3 = 9, और 7 × 5 = 35, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दिया 2/5 × 2, और उस पूरे ब्रैकेट की पावर है 3, तो पावर्स के ऊपर पावर होते हैं, तो पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया 2/5 × 2, 3 = 6, 5.3 × 4 = 3, 1/5, 2/3, सभी डिजिट को लिखेंगे जो जितनी बार दिया पावर्स में, कैंसिल कर देंगे,
आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।